नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को 2 महीने हो गए हैं। 23 जून को धूमधाम से इस कपल ने शादी की थी। सोनाक्षी और जहीर ने सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी का फैसला किया था। इन दोनों की शादी काफी चर्चा में भी रही थी। दरअसल इनकी शादी पर जमकर बवाल भी मचा था। दरअसल इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ी थी। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए गए थे कि सोनाक्षी की शादी से उनके भाई लव और कुश खुश नहीं हैं। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बेटी से नाराज हैं। वहीं अब बेटी की शादी के 2 महीने बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सभी तरह की अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी सोनाक्षी और दामाद जहीर इकबाल को मेट फॉर ईच अदर बताते हुए सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। एक्टर ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कहा कि ये शादी का मामला है, दूसरी बात अगर बच्चों ने शादी कर ली है तो ये गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं है। उन्होंने हमारी मर्जी और हमारे आशीर्वाद से ऐसा किया है, हम इसकी सराहना करते हैं। अगर मैं अपनी बेटी के साथ खड़ा नहीं रहूंगा तो कौन खड़ा होगा। मेरी पत्नी पूनम सिन्हा और मैं उनकी शादी का जश्न मनाने के लिए साथ खड़े थे। ये बेहद खुशी का पल था। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए खड़े रहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे खुश हैं। मैं उन्हें मेट फॉर ईच अदर कहता हूँ और हम उसके लिए बहुत खुश हैं। तो देखा आपने, शत्रुघ्न सिन्हा ने सब कुछ साफ कर दिया है कि वो अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और दामाद जहीर इकबाल की शादी से काफी खुश हैं। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया था। दोनों ने 23 जून को ना ही हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी और ना ही मुस्लिम रिवाजों से शादी की थी, बल्कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद दोनों ने एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की थी जिसमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। तमाम बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी और जहीर इकबाल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। बता दें कि ये रिसेप्शन पार्टी आलिशान रेस्टोरेंट बास्टियन में हुई थी। बता दें कि भले ही दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को मुस्लिम धर्म में शादी करने की वजह से काफी ट्रोल किया गया था। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस कपल पर लव जिहाद करने के आरोप भी लगाए थे। सोनाक्षी पर लोगों का जमकर गुस्सा भी फूटा था। ये नाराजगी इस कदर पड़ गई कि बिहार में सोनाक्षी को ना घुसने तक की धमकी दी गई थी। लेकिन अब शादी के 2 महीने बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने सब कुछ क्लियर भी कर दिया है। बता दें कि जहीर इकबाल ने साल 2019 में फिल्म नोटबुक के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था। जहीर इकबाल बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। पिछले साल वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म डबल एक्सल में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। बात करें सोनाक्षी सिन्हा की, तो शादी से पहले उनकी सीरीज हीरा मंडी रिलीज हुई थी। इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। शादी के बाद उनकी फिल्म ककूड़ा रिलीज हुई थी जिसे मिक्स्ड रिएक्शन मिले थे। वैसे अब जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी की शादी पर रिएक्शन दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।